नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ OnePlus Nord 2 के बारे में। एंड मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग हिडन फीचर्स के बारे में बताऊंगा जो आप OnePlus Nord 2 में यूज कर सकते हैं, जिससे आपकी जो लाइफ है वो थोड़ी और प्रोडक्टिव हो जाएगी इस पर्टिकुलर फोन के साथ। अब देखो, 30,000 के नीचे ये मतलब बेस्ट फोन से जो आप खरीद सकते हैं। एंड हमने ऑलरेडी इसका एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने कैमरा के हिडन फीचर्स के बारे में बताए थे, एंड वो आप सभी को बहुत पसंद आया। तो हमने सोचा भाई और भी मतलब ऑक्सीजन OS और कलर OS का जो इसमें मिक्स है उसके बारे में दोस्तों एक हिडन फीचर्स के आपके लिए एक वीडियो बनाते हैं, तो जरूर देखिएगा। एंड चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम टेक की बात कैडिंग टेक यानी GT हिंदी के साथ। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं 9 हिडन फीचर्स के बारे में बात करूंगा, और जो सबसे पहला फीचर है उसका नाम है एडैप्टिव स्लीप। अब देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि आप फोन में कुछ देख रहे होते हैं ना, आपका स्क्रीन ऑन टाइम मतलब जो आइडियल टाइम आउट होता है वो हम लोग 30 सेकंड रखते हैं या 15 सेकंड रखते हैं, तो ऐसे में ये जो फीचर होता है ये डिटेक्ट कर लेता है कि आप फोन यूज कर रहे हो एंड उसका जो स्क्रीन है वो बंद नहीं करता है AI की मदद से। तो इस पर्टिकुलर सेटिंग को इनेबल करने के लिए आपको सेटिंग्स में जाना है, उसके बाद डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में जाकर के टर्न ऑन एडेप्टिव स्लीप जो है उसका जो ऑप्शन है वो आपको ऑन कर देना है। एंड इसके बाद जब भी फोन डिटेक्ट करेगा आपका प्रेजेंस यूजिंग द कैमरा, मतलब जो फ्रंट फेसिंग कैमरा होता है वो फोन यूज करता है, एंड उस प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के बाद वो जो स्क्रीन है उसको ऑफ नहीं करता। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग फीचर है, समझ लीजिए आपको स्क्रीन को बार बार टैप करके ऑन भी नहीं करना पड़ेगा अगर आप कुछ उसमें पढ़ रहे हैं तो। अब दूसरे फीचर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, वो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले से रिलेटेड। अब देखिए, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में आप बहुत सारी चीजें जो आपको एट ए ग्लांस चाहिए वो आप ला सकते हैं, जैसे कैलेंडर इवेंट हुआ, जो म्यूजिक चल रहा है वो। एंड आप दोस्तों इस पर्टिकुलर चीज को कस्टमाइज भी कर सकते हैं, जैसे अगर आपको जो फिंगरप्रिंट आइकन है उसको अगर इनेबल या डिसेबल करना है, उसके बाद में जो म्यूजिक इन्फो है, जो कैलेंडर इवेंट्स हैं वो अगर आपको दिखाना है या नहीं दिखाना है, उसके बाद जो एम्बिएंट डिस्प्ले है उसके अलावा आप स्केड्यूल सेट कर सकते हैं कि जो एम्बिएंट डिस्प्ले है वो कब ऑन होना है कब ऑफ होना है। तो ये सारी चीजें दोस्तों आप सेटिंग्स में जाकर के जो एम्बिएंट डिस्प्ले वाला ऑप्शन है वहां जाके आप कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। अब तीसरा और मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फीचर्स है दोस्तों, फिंगरप्रिंट सेंसर जो आपके लॉक स्क्रीन पे होता है उसकी मदद से किसी भी ऐप को या फिर जो क्विक एक्शंस होते हैं वो आप डायरेक्टली लॉक स्क्रीन से कर पाएंगे। तो उसके लिए दोस्तों आपको सेटिंग्स में जाना है, उसके बाद आपको कन्वीनियंस जो टूल्स हैं उसके ऑप्शन में जाकर के क्विक लॉन्च इनेबल करना है, एंड वो जो टॉगल है दोस्तों वो अगर आप ऑन करेंगे तो उसके बाद एप्स या एक्शंस हैं आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि ट्रिगर होगा जब आप लॉक स्क्रीन पे होंगे। तो ऐप शॉर्टकट्स के अलावा दोस्तों आप यहाँ पे वेरियस एक्शंस ले सकते हैं, जैसे कि शॉर्टकट लॉन्च करना, क्विक फाइल स्कैनिंग गूगल ड्राइव के थ्रू, या फिर अगर आप गूगल सर्च भी करना चाहें तो यहाँ पे आप कर पाएंगे। तो समझ लीजिए दोस्तों बहुत सारी जगह आजकल आपको कैमरा से QR कोड स्कैन करना पड़ता है, चाहे वो पेमेंट हो, चाहे वो आपके आप किसी रेस्टोरेंट में गए हो तो आपको मेन्यू देखना हो, तो वहां पे आप एक जो QR कोड वाला जो स्कैनिंग वाला ऑप्शन है वो आप डाल सकते हैं। सो इट्स वेरी कन्वीनियंट एंड डायरेक्टली लॉक स्क्रीन से आप कर पाएंगे पेमेंट या फिर एनी QR कोड दैट यू वांट टू रीड। अब दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं जो नेक्स्ट फीचर है, एंड आई थिंक आप में से बहुतों को पता होगा, लेकिन अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं कि आप Nord 2 को अपने हिसाब से एकदम कस्टमाइज कर सकते हैं, पर्सनलाइज कर सकते हैं। देखिए, आप बोलोगे कि भाई ऑलमोस्ट हर एक Nord 2 एक जैसा दिखेगा, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप चाहो तो आपका Nord 2 सबसे अलग दिख सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप सेटिंग्स के अंदर पर्सनलाइजेशन में जाते हैं तो वहां पे आप Nord 2 में ऑलमोस्ट हर एक UI एलिमेंट, जैसे कि फिंगरप्रिंट अनलॉक एनिमेशन देख लीजिए, आइकन स्टाइल देख लीजिए, फॉन्ट स्टाइल देख लीजिए, UI एक्सेंट कलर्स, बहुत कुछ दोस्तों आप यहाँ पे पर्सनलाइज कर सकते हैं। एंड समझ लीजिए अगर आप डार्क थीम वॉलपेपर यूज कर रहे हैं, आपको मिनिमल आइकन चाहिए तो वो आप कर पाएंगे, उसके साथ आप एक्सेंट कलर्स, मतलब जैसा आपको बनाना है वैसा आप अपने होम स्क्रीन और पूरे के पूरे फोन को बना पाएंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट फीचर है स्क्रीन रिफ्रेश रेट के बारे में। अब Nord 2 में दोस्तों 60Hz एंड 90Hz ये दोनों आपको रिफ्रेश रेट के ऑप्शन मिलते हैं, एंड बाय डिफॉल्ट आपको 60Hz मिल जाएगा, लेकिन अगर आप डिस्प्ले के अंदर जाते हैं सेटिंग्स के अंदर डिस्प्ले में तो वहां पे आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, और आप 90Hz में भी इस पर्टिकुलर फोन को सेट कर सकते हैं। अब 90Hz में दोस्तों फायदा क्या है कि हर एक चीज जब आप स्क्रॉल कर रहे हैं तो वो आपको स्मूथ देखने लगेगी, एंड स्क्रीन क्योंकि ज्यादा जल्दी रिफ्रेश होगी तो वहां पे डिलेज नहीं होंगे, एंड इट विल बी वेरी फ्लूइड। अब यहां पे दोस्तों AI यूज करके OnePlus ने क्या किया है कि जब आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट चाहिए तब आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट मिलेगा, लेकिन अगर आप कोई इतना फ्लूइड काम नहीं कर रहे हैं, फिर वॉचिंग अ वीडियो या फिर अगर आप कुछ स्क्रीन में पढ़ रहे हैं तो वहां पे दोस्तों एडेप्टिव रिफ्रेश रेट आ जाती है, एंड फिर वो अपने आप सेट कर लेगा कि आपको 60 चाहिए या 90 चाहिए, एंड इसके साथ साथ दोस्तों जो बैटरी है वो भी यहाँ पे सेव हो जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों वीडियो ऑप्टिमाइजेशन का, एंड यहाँ पे OnePlus ने दो नए एनहांसमेंट फीचर्स दिए हैं जो कि है AI कलर बूस्ट एंड AI रेजोल्यूशन बूस्ट।
So, AI Color Boost क्या करता है? It utilizes the context awareness capabilities जो कि AI की तरफ से आते हैं and वहाँ पे दोस्तों automatically convert करता है standard dynamic range को एक high dynamic range value में। तो दोस्तों सीधी सी बात यह है कि अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं और ये अगर आप ऑप्शन ऑन करते हैं तो सराउंडिंग के हिसाब से जो कलर्स हैं वो दोस्तों यहाँ पे सेट कर लेगा ताकि आपको एक बढ़िया व्यूइंग एक्सपीरियंस देखने को मिले। आई नो सब कुछ टेक्निकल बातें अदर है बट जो लाइफ में आपको देखने को मिला वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे रेजोल्यूशन बूस्ट भी मिलता है जिसके मदद से OS है वो अपने आप वीडियो को एनहांस कर देता है टू HD रेजोल्यूशन। अगर आप सोशल मीडिया पे जो एप्स होते हैं वहां पे अगर आप वीडियोस देख रहे हैं एंड ये दोस्तों आप सेटिंग्स में जाकर के जो डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस ऑप्शंस हैं वहां पे आप इनेबल कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट और एक बहुत ही अच्छा फीचर है वर्क लाइफ बैलेंस का जो आपको OnePlus Nord 2 में मिल जाएगा। एंड देखिए ये जो फोन है ये डिजाइंड है मोस्टली उन प्रोफेशनल्स के लिए जो ऑफिस गोइंग होते हैं एंड ऐसे में ये जो मोड है आपकी ऑफिस लाइफ को और आपकी पर्सनल लाइफ को अलग अलग रखने में मदद करेगा। अब आप इसको दोस्तों नोटिफिकेशन ट्रे से या फिर सेटिंग से ऑन कर सकते हैं एंड जब आप इसको कॉन्फ़िगर करेंगे तो आपसे पूछेगा कि भाई एट अ पर्टिकुलर लोकेशन चाहिए एट अ स्केड्यूल टाइम चाहिए एंड वहाँ पे आप एप्स देख सकते हैं कि अपने वर्किंग ऐप जैसे कि स्लैक हो गया ईमेल हो गए ये सारी चीज़ें आप अपने वर्क में डाल सकते हैं। एंड जब आप घर पे होते हो तब आपको वहाँ पे शायद YouTube चाहिएगा आपको Netflix वगैरह तो आप इन दोनों प्रोफाइल्स को डिफरेंट रख सकते हैं उसको स्केड्यूल कर सकते हैं एंड वहाँ पे क्या होगा कि फोकस रहेगा बिकॉज आपकी जो नोटिफिकेशंस वगैरह होंगी वो जो वर्किंग ऐप है वहाँ से आएंगी एंड यू नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड। तो अगर आपको दोस्तों ऐसा लगता है कि आपका फ़ोन थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन आपका होता मतलब आपको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन देता है जब काम करें तो आप इस पर्टिकुलर मोड की मदद से अपने जो फ़ोन है उसको और भी ज़्यादा कन्वीनियंट कर सकते हैं उसको और भी ज़्यादा यूजफुल बना सकते हैं कि भाई जब मैं जो कर रहा हूँ तभी मेरे को वो नोटिफाई करें। अब अगला दोस्तों एक बहुत ही अच्छा फीचर है क्लाउड स्टोरेज विद RCC मतलब रेड केबल क्लब एंड OnePlus Nord 2 दोस्तों या तो आपको 128GB का मिलता है या फिर 256GB का एंड यहाँ पे अगर आपको क्लाउड स्टोरेज चाहिए तो आप OnePlus Nord 2 के जो फ्री क्लाउड स्टोरेज है आप उसको इनेबल कर सकते हैं जाकर के सेटिंग्स में यूजिंग द रेड केबल क्लब और अपने हिसाब से दोस्तों फिर आप वहां पे स्टोरेज कन्फिगर कर पाएंगे। और दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्क्रीनशॉट्स ऑन OnePlus Nord 2 मतलब पावर बटन वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन इन सब से तो हम स्क्रीनशॉट लेते हैं एंड हम मतलब आप बिलीव नहीं करोगे आप अपनी गैलरी में जाकर के देखिए आप कितने सारे स्क्रीनशॉट्स लेते हैं वी डोंट रियलाइज इट बट वी डू इट मोर देन एनीथिंग एंड वहां पे अगर आप OnePlus Nord 2 में स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो आप या तो 3 फिंगर से स्वाइप डाउन कर सकते हैं या फिर 3 फिंगर टैप एंड होल्ड करके पार्शल स्क्रीनशॉट या फिर लॉन्ग स्क्रीनशॉट आप ले पाएंगे एंड वो बटन्स के साथ साथ अगर कुछ भी चाहिए 3 फिंगर स्वाइप वेरी सिंपल एंड ईजी एंड ट्रस्ट मी बहुत सारे OnePlus Nord 2 यूजर्स को या फिर OnePlus यूजर्स को ये जो निफ्टी ट्रिक्स है ये नहीं पता होती है। तो अगर आपको दोस्तों इस वीडियो में एक दो कितनी भी अगर नई ट्रिक पता चलने को मिली तो बहुत ही बढ़िया बात है। मतलब देखो ऐसी बात नहीं है कि भाई आपको 9 की 9 नहीं मिलेंगी राइट आपको कुछ पता होंगी लेकिन शायद कुछ नई भी चीजें पता चली होंगी। तो अगर पता चली तो भाई एक थम्स अप जरूर दीजिएगा वीडियो पसंद आया तो उसको शेयर जरूर करिए व्हाट्सएप पे शेयर करिए यूट्यूब पे शेयर करिए वापस से शेयर करिए ट्विटर पे शेयर करिए एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल सब्सक्राइब का बटन और वो जो घंटे का आइकन है ना उस पर भी टैप कर दीजिएगा। तो बस दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना अगले वीडियो में आप सभी से मिलने की आशा रखते हुए गुड बाय।